ईवीएन में लघु भारतीय उद्योग के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा हिमाचल प्रभारी और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे शामिल हुए और सरकार से उद्योगों के लिए चलाए गए प्रोग्रामों के बारे में बताया। और इसमें देश के प्रधानमंत्री ने सीधे देश के 80 डिस्ट्रिक्ट के बैंक्स और लघु उद्योग के रिप्रेजेंटेटिव से सीधे संवाद किया। अंत में पत्रकारों से प्रेस वार्ता में सवालों पर संज्ञान देते नजर आए। जी के द्वारा एक नई सौगात देश के वैसे छोटे उद्यमियों को दी जा रही है जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं। ऋण लेने में काफ़ी समस्याएं और कठिनाइयां होती थी, काफ़ी समय लगती थी, लेकिन आज एक नया पोर्टल लॉन्च हो रहा है और उस साइट पे केवल 59 मिनट के अंदर किसी भी उद्यमी को ऑनलाइन एप्लीकेशन देने पे उसको लोन स्वीकृत होगा या कोई कठिनाई होगी तो बता दिया जाएगा, उसे कहीं जाना नहीं पड़ेगा और केवल 59 मिनट के अंदर उसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और यह ऑनलाइन सिस्टम 24 घंटा खुला रहेगा। इसका नाम दिया गया है psmeloansin59minutes.com। तो इस पोर्टल के माध्यम से अब देश के छोटे उद्यमों के लिए एक नया रास्ता खुला है और इसका बहुत लाभ छोटे उद्यमियों को मिलेगा। इसके साथ ही चूंकि हमारा देश गांव का देश है और गांव के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि गांव में छोटे उद्योग लगे, तो छोटे उद्योगों का जाल बिछे, इसके लिए भारत की सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों को एक छतरी के नीचे लाके छोटे उद्योगों के विकास की चिंता की है और छोटे उद्योगों के विकास के लिए एक नया प्रयास शुरू किया है, जिसके तहत कई विभाग अब एक छतरी के नीचे काम करेगा और उसमें साइंस एंड उसमें हमारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय होगा, हमारा केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री होगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होगा, श्रम रोजगार मंत्रालय होगा, ऐसे सारे वो विभाग जो एक उद्योग को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं वो एक छतरी के नीचे आके काम करेंगे और हमारे छोटे उद्यमियों को जो कठिनाइयाँ होंगी उसको वो दूर करेंगे। आज सरकार आपके नेतृत्व में पहले हिमाचल में भाजपा सरकार बनी थी, आप उसको किस तरह के देखते हैं? जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। विकास के नए 30 योजनाओं को इस सरकार ने एक साल के अंदर लॉन्च किया है। जनता की समस्याओं को जाके जनता के दरबार में सुन रहे हैं, जनता के बीच में जाके जनमंच लगाया जा रहा है और इसके अलावा भी चाहे वह छात्र नौजवानों का विषय हो, अनुसूचित समाज का विषय हो, समाज के गरीब कमजोर पिछड़े वर्ग का विषय हो, महिलाओं का विषय हो, हर मुद्दे पर जो हमने स्वर्णिम हिमाचल का कमिटमेंट किया था हिमाचल की जनता को, उस स्वर्णिम हिमाचल के कमिटमेंट के तहत हमारी जयराम ठाकुर जी की सरकार काम कर रही है और विकास के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, किन मुद्दों पे या धर्म या रिजल्ट डिक्लेयर्ड है हिमाचल प्रदेश का 4-0 होगा, चारों का चारों सीट बीजेपी जीते। किन मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा? विकास विकास विकास, केवल विकास। सर जैसे सर आज उद्योगपतियों के लिए सर आज एक कार्यक्रम रखा गया, सर यहाँ पे जो सड़कों की दयनीय हालत है सर, उसके ऊपर अब सरकार क्या अपनी तरफ से करेगी, क्योंकि उद्योग यहाँ पे लगने को नहीं आ रहे। आपको मालूम होगा कि भारत की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 61 नए NH लिए और उसके DPR बन के कई पे तो काम शुरू हो गए, तो काम तो दिखाई पड़ रहा है। आप तो जैसे ही परमाणु से घुसिएगा देखिए आपका काम दिखाई पड़ रहा है। फोर लेन हाईवे है ना, जो वो बहुत सालों से अटका हुआ है, उसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो कठिनाइयां है उसको भी हम लोग आगे दूर करेंगे। सर मात्र घोषणा ही रही है कि भी अभी ये सरकार, घोषणाएं यदि होती तो ये सड़कें बनती ही दिखाई नहीं पड़ती। नहीं भी और आप 4 साल में हिमाचल प्रदेश को पूरा घूम के देख लीजिए, जो हिमाचल की सड़कें NH थी आज उसका रंग रुतबा कैसा बदल गया, आज जाना कहीं कितना सुलभ हो गया है। और हमारे पूर्व के भी जो मुख्यमंत्री थे वो विकास के लिए ही जाने जाते थे, यहाँ पे
हिमाचल प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया था और अभी भी जो सड़कें हैं उसको जो कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में खराब कर दिया उसको हम ठीक कर रहे हैं। सर राम मंदिर का मुद्दा इस बार रहेगा पार्टी का? मैंने कहा विकास मुद्दा है सर। जितनी पहले योजनाएं चली थी बीजेपी में जितनी मुद्दा लाइव आने लगा भैया, लाइव आने लगा हर मुद्दे पर। जो हमने स्वर्णिम हिमाचल का कमिटमेंट किया था हिमाचल की जनता को, उस स्वर्णिम हिमाचल के कमिटमेंट के तहत हमारी जयराम ठाकुर जी की सरकार काम कर रही है और विकास के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला जो चुनाव है लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पे, या धर्म या रिजल्ट डिक्लेयर्ड है हिमाचल प्रदेश का 4-0 होगा, चारों का चारों सीट बीजेपी जीते। किन मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा? विकास 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 केवल विकास। सर जैसे सर आज उद्योगपतियों के लिए सर आज एक कार्यक्रम रखा गया, सर यहाँ पे जो सड़कों की दयनीय हालत है सर उसके ऊपर अब सरकार क्या अपनी तरफ से करेगी, क्योंकि उद्योग यहाँ पे लगने को नहीं आ रहे। आपको मालूम होगा कि भारत की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 61 नए NH लिए और उसके DPR बन के कहीं पे तो काम शुरू हो गए, तो काम तो दिखाई पड़ रहा है। आप तो जैसे ही परमाणु से घुसिएगा देखिए आपका काम दिखाई पड़ रहा है। 4-lane हाईवे है ना जो, वो बहुत सालों से अटका हुआ है, उसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। जो कठिनाइयां है उसको भी हम लोग आगे दूर करेंगे। सर मात्र घोषणा ही रही है कि भी अभी ये सरकार, घोषणाएं यदि होती तो ये सड़कें बनती ही दिखाई नहीं पड़ती। नहीं भी और आप 4 साल में हिमाचल प्रदेश को पूरा घूम के देख लीजिए, जो हिमाचल की सड़कें NH थी आज उसका रंग रुतबा कैसा बदल गया, आज जाना कहीं कितना सुलभ हो गया है। और हमारे पूर्व के भी जो मुख्यमंत्री थे वो विकास के लिए ही जाने जाते थे। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया था और अभी भी जो सड़कें हैं उसको जो कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में खराब कर दिया उसको हम ठीक कर रहे हैं। सर राम मंदिर का मुद्दा इस बार रहेगा पार्टी का? मैंने कहा विकास मुद्दा है सर। एनस्टार न्यूज के लिए बद्दी से आदित्य कुमार के साथ मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। एनस्टार न्यूज के लिए बद्दी से आदित्य कुमार की रिपोर्ट।